तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जो कि राजस्थान एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए एप्लीकेबल है। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 11 का नाम है मेंसुरेशन। तो अब तक मैंने 2 लेक्चर्स में कुछ बेसिक्स बताए थे, रेक्टेंगल के बारे में बताया, स्क्वायर के बारे में बताया, आज हम जानेंगे सर्कल के बारे में। तो आज पूरा की पूरा लेक्चर जो है हमारा डेडिकेटेड सर्कल के लिए, ठीक है। सर्कल जिसको हम वृत्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त भी बोलते हैं। तो ध्यान देना, इसको सर्कल भी बोलते हैं और हिंदी में इसको वृत्त बोला जाता है। तो इससे संबंधित आपको 2-4 चीज़ें जाननी है। नंबर 1, सर्कल आपने देखा होगा, अपनी जो साइकिल होती है, साइकिल की जो रिम होती है वो कैसी होती है, सर्कल टाइप की होती है, सर्कुलर। अपना कोई पार्क है, पार्क भी जनरली कैसे होते हैं, ऐसे ही सर्कुलर होते हैं। कोई शहर होता है, शहर के चारों तरफ रोड, ये भी जनरली सर्कुलर होता है। हम जो चूड़ी पहनते हैं, हम नहीं मतलब लेडी जो चूड़ी पहनती हैं, या फिर जो लड़के भी जो मतलब कड़े पहनते हैं, ठीक है, हाथ में, तो वो भी कैसे होते हैं, ऐसे ही सर्कुलर होते हैं, ठीक है। घड़ी भी कैसे मूव करती है, घड़ी देखें तो घड़ी पॉइंटर यहाँ पर रहता है, पर वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो कुछ भी चीज़ों, यहाँ तक कि ये जैसे कैप है, ये अपने मार्कर की कैप है, तो इसका ये वाला ये भी कैसा है, सामने से देखोगे सर्कुलर है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना क्या है, ये सर्कल है। सर्कल और गोले में अंतर है, गोला जो होता है, गोला ध्यान देना, गोला, गोले के बारे में बताऊंगा बाद में, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्पेयर बोलते हैं। तो स्पेयर और सर्कल में अंतर है। स्पेयर सॉलिड होता है, कैसे क्या देखा हुआ, जो बॉल होती है, बॉल सॉलिड होती है, किधर से भी देखो वो सामने से ऐसा ही दिखाई देगा, फ्रंट से देखो किधर से भी देखो सर्कल दिखाई देगा देखने पर, मगर वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। मगर सर्कल, सर्कल अलग चीज़ है। आप देखो चूड़ी और बॉल में अंतर है या नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये ठोस है, ये ठोस नहीं है, तो ये सर्कल हो गया। सर्कल में नंबर 1 आपको पहली चीज़ याद रखनी, सेंटर। सेंटर क्या होता है, ठीक है, तो सर्कल का जो ये सेंटर, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर, केंद्र बिंदु बोलते हैं। दूसरी चीज़ रेडियस, सर्कल से संबंधित दूसरी चीज़ क्या है, रेडियस। आपने भी देखा होगा ना, आप मतलब जो प्रकार विकार लेके आप यूँ मतलब पॉइंट बना के और ऐसे सर्कल बना देते हो, तो जो पॉइंट जहाँ पे रखते हो उसको, वो क्या हो जाएगा, अपना सेंटर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी, सेंटर हो गई। दूसरा रेडियस, रेडियस जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो रेडियस क्या है, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और ध्यान देना, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है अपनी सर्कमफेरेंस। क्या है, सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज ये अपना रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये टोटल बाउंड्री, ये क्या हो जाएगी, पेरीमीटर। यहाँ पर सर्कल में पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ध्यान रखना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर नहीं बोलते। तो सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और यहीं पर वापस आ गए, तो ये चारों तरफ की जो टोटल डिस्टेंस है किसी पॉइंट से, जो टोटल डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं, परिधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस का जनरली फॉर्मूला होता है 2πr। एक चीज़ और होती है इसमें, वो है डायमीटर। क्या है, डायमीटर। और डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी। तो डायमीटर क्या होता है, सेंटर से गुजरने वाली लाइन, सेंटर से गुजरने वाली लाइन। ये क्या हो गया, सेंटर ओ मान लो, यहाँ से एक एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट ए हो गया, जो अपनी सर्कमफेरेंस है। देखो डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है और सर्कल की सर्कमफेरेंस पर, परिधि पर, दो पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है, तो डायमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो डायमीटर का फॉर्मूला आप देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, तो डायमीटर डी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। तो आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, 2R। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2R। ध्यान देना, डायमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, एक बार देख लो आप, ये अपना क्या हो गया, सर्कल हो गया, सही नहीं बना, ये क्या हो गया, सर्कल। सर्कल का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। और ये पूरी की पूरी जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे,
सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। यहाँ पर एक चीज आ रहा है, ऐसा चीज आ रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पाई। हिंदी में कैसे लिखेंगे? पाई। और पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं 3.14। हालांकि ये चलती जाती है, इसके बाद कई सारी डिजिट आती हैं, तो आप ध्यान रखना एक नई चीज़ आ गई है सर्कल में, और नई चीज़ क्या आई है, पाई आई है। पाई की वैल्यू या तो आप ले लो 22/7 या ले लो 3.14। और कई बार क्वेश्चन में देख के रखते हैं कि पाई यहाँ पर कितनी है 3.14, या पाई यहाँ पर कितनी है 22/7, ये क्वेश्चन में देख के रखेंगे। नहीं दे रखा तो आपकी जो मर्जी हो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों तरफ की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ये सेंटर हो गया, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, ये भी रेडियस हो सकती है, ये भी रेडियस 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 है। तो कुछ नज़र आ रहा है कैसा बन गया, अभी साइकिल की रिम देखिए, तो साइकिल की रिम में सेंटर वाला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर। सेंटर से सर्कमफेरेंस चारों तरफ ऐसे तान लगे होते हैं उसमें, लोहे की ऐसे ऐसी रोड सी लगी होती हैं ऐसी कई सारी, तो ये क्या हो गया, इनकी रेडियस हो गई। तो रेडियस कई सारी हो सकती हैं, मगर खास बात ये जितनी भी रेडियस होंगी सब आपस में क्या होंगे, इक्वल। सपोज ये रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। इसलिए सारी रेडियस क्या होंगी, सेम। एक गिवन सर्कल में सारी सारी रेडियस क्या होती हैं, सेम। अब और डायमीटर क्या है, मैंने अभी बताया डायमीटर यहाँ से सेंटर से गुजरने वाली लाइन, और कहाँ पर मिलती है, सर्कमफेरेंस पर। तब ये रेडियस सेम है तो ये भी कितनी हो जाएगी, सेम। सपोज ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और टोटल यहाँ से ए बी सपोज इसका डायमीटर है, तो टोटल ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो गया हमारा, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर के बारे में ध्यान रखना, ये अपना सर्कल है सपोज, ये इसका सेंटर है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, डायमीटर। ये वाली पूरी लाइन भी क्या हो जाएगी, डायमीटर। ये वाली पूरी लाइन भी क्या हो जाएगी, डायमीटर। तो डायमीटर भी एक सर्कल का क्या रहता है, सेम, किधर से भी आप देख लो। तो कितनी चीज़ें देखी हमने, रेडियस देखी, हमने सर्कमफेरेंस देखी, सर्कमफेरेंस ध्यान रखना, पेरीमीटर को इसमें क्या बोल देते हैं, सर्कमफेरेंस, और एक देखा डायमीटर। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अलग अलग सर्कल में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब मान लो छोटा सर्कल है, तो छोटा सर्कल है तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी, सपोज 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डबल कर दो, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, डायमीटर। रेडियस का डबल, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, डायमीटर, ठीक है। तो अब मैं इसके बताऊंगा फॉर्मूले और फिर इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन करो उसको। हाँ तो दोस्तों अब हम देखेंगे सर्कल के कुछ फॉर्मूलेज और फिर उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ी रेनफॉल हो रही है, बरसात हो रही है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो इसको आप थोड़ा देख लेना। तो सर्कल का सबसे पहले फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, तो ये सर्कल हो गया, और इस सर्कल की चारों तरफ की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और सेंटर वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर। और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, जहां पर r क्या है, यहां पर r है रेडियस, क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की रेडियस को हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला एरिया निकालना, सपोज एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो ये होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। अब सपोज हमें दोनों चीज़ निकालेंगे, एक सर्कमफेरेंस भी निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एग्जांपल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या रखेगा, एक ही चीज़ देके रखेगा वो, रेडियस। सपोज रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरे में आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। थर्ड वाले क्वेश्चन में आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और तीनों चीज़ निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, वही करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, GFO, हमेशा ये ध्यान रखना। तो गिवन रेडियस कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे
सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बराबर क्या हो जाएगी, 2πr। अच्छा पाई हम लेंगे यहाँ पे, मैंने बताया था पाई की वैल्यू कितनी ले लो, पाई की दो वैल्यू ले सकते हैं, एक तो 22/7 या फिर 3.14। तो 22/7 ले लेते हैं मल्टीप्लाई, आर कितना दे रखा है 7, तो देखो 7 से उड़ गया 7, 22 या 44 सर्कमफेरेंस है, तो जो यूनिट यहाँ पे दे रखी है वो यहाँ पे लिख दो। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, एरिया। तो एरिया ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 लिख दो, 7 से उड़ गया 7, और 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 × 1 = 15। ठीक है, ये देखो एक बार, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2πr, 2 × 22/7 × 14। 14 को 7 से उड़ा दो कितनी बार, दो बार, इसको मल्टीप्लाई करो 22 या 44, 2 × 44 बराबर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। दूसरा इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी रख दो 22/7, आर कितना है आपका 14 है, तो 14 का स्क्वायर को ओपन कर दो, 22/7 × 14 × 14, 7 से उड़ा दो कितनी बार, दो बार, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 22, अब देखो 14 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 28, और 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 × 2 = 56, और 28 × 2 = 56 और 5 616, कितना हो जाएगा 616। अच्छा किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो पहले, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बचा हुआ है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्या दे रखा है, रेडियस गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन आर कितनी दे रखी है आपकी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बराबर 2πr, फॉर्मूले रट जाने चाहिए आपको, और रट जाएंगे जब बार बार करोगे तो रट जाएंगे, टेंशन मत लो। तो 2 × पाई की वैल्यू कितनी रख दो 22/7 × 21, 7 से इसको काटो 3 बार, तो 22 × 44 × 3, मल्टीप्लाई करो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 × 1 = 13, 132 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है इसका सेकंड, एरिया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21 का स्क्वायर बराबर 22/7 × 21 × 21, 7 से उड़ा दो कितनी बार, 3 बार, तो 22 × 21 को 3 से करेंगे 63, और 63 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 × 2 = 126, और 63 × 126, 126 × 12 = 138, तो 1386। अब देखो जब भी एरिया निकाले तो ध्यान रखना है, सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या कर देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप चाहो तो साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया किसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो सर्कल के कई सारे क्वेश्चन करें, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो देखना आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम पानी में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि पत्थर वाले रोड पर चल रहे हैं, आपको चलने में दिक्कत आ रही है। तो जब बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, इनका नोट डाउन और करते रहना, इनको जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितने भी बेसिक्स करा रहा हूँ, ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि इन पर हमारी पकड़ अच्छी बन सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।